दोस्तों यदि आप अपने व्हाट्सएप में जाओगे, व्हाट्सएप में जाने के बाद दोस्तों आप देखोगे नीचे की साइड स्टेटस का एक ऑप्शन दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन अब आ रहा है। तो दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चैनल शो होंगे दोस्तों, जो व्हाट्सएप का एक न्यू फीचर है दोस्तों चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके सामने अगर इस तरह का यहाँ पर चैनल्स का ऑप्शन आए चैनल क्रिएट करने के लिए, तो दोस्तों आप इसको हटा कैसे सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसको हटाना बहुत कोई लोग चाहते हैं। दोस्तों हटाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सब कुछ अपना बैक कर लेना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है अपने गूगल में। गूगल में जाने के बाद तो दोस्तों गूगल में आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है व्हाट्सएप। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा व्हाट्सएप डाला नहीं, तो नीचे आ चुका है ओल्ड वर्जन। तो दोस्तों आपको यही यहाँ पर सर्च करना है, चलिए मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला वेबसाइट यहाँ पर नज़र आएगा ओल्ड वर्जन, तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां से क्या करना है, नीचे की साइड थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर एक आपको वर्जन मिलेगा, जो पुराना वर्जन है दोस्तों वो आपको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है, तभी आपका व्हाट्सअप वहाँ पर वो चैनल वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सितम्बर 5, तो दोस्तों 5 सितम्बर का जो ये अपडेट है, मतलब दोस्तों ये 5 सितम्बर वाला जो वर्जन है, तो दोस्तों इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पर आ जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड का ऑप्शन दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने व्हाट्सएप के यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसके बाद दोस्तों ऐप इन्फो वाले ऑप्शन में जाना है, या दोस्तों आप यहाँ से भी इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन से उस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना नंबर फिल करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों अब जब भी आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो आपके सामने ये चैनल वाला ऑप्शन नहीं आएगा।